हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी ब्रेड फिंगर्स। ये देखिए, ये चार पोटैटो हैं, इसे मैंने बॉयल कर लिया है। ये कुछ ब्रेड्स हैं, ये प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया, ये हरी मिर्चा है, ये चिली फ्लेक्स है। ये देखिए दोस्तों, हमने आलू को छिल लिया, अब इसे हम इसे ग्लास की मदद से तोड़ लेंगे। दोस्तों हमने आलू को अच्छी तरह मैश किया, अब इसमें हम नमक डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, कुछ जीरा है, इसमें हम जीरा डाल देंगे, प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों मैंने आलू की स्टफिंग तैयार कर ली है। ये दोस्तों हमने ब्रेड को इस तरह से कट कर लिया है फिंगर जैसा। देखिए दोस्तों, हमने सारे ब्रेड को इस तरह से फिंगर में काट लिया है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ ब्रेड क्रम बना लिया है। ये ब्रेड और ये आलू स्टफिंग, आलू तैयार हो गई है। यहाँ मैदा हमने लिया है, इसका घोल हम तैयार कर लेते हैं पानी डाल के। देखिए हमने ब्रेड लिया और इस तरह से आलू को इस पर स्टफिंग कर लेंगे हम। इस तरह सारे ब्रेड को हमने कर लिया। देखिए दोस्तों, हमने एक ले लिया इस तरह से फिंगर वाला, इसे हमने इसमें डिप कर दिया है और फिर उसके बाद इसमें हम ब्रेड क्रम से इसे कोटिंग कर देंगे। इस तरह से कोटिंग कर लिया हमने, इसे हम तेल में कसकर डाल देंगे। दूसरा वाला भी हम इस तरह से डिप कर ब्रेड क्रम इस तरह से लपेट लेंगे और इसे और डाल देंगे। देखिए दोस्तों, इसका कलर कितना अच्छा हो गया, ब्राउन हो गया। फिर दोस्तों कितना क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया। फिर निकाल दोस्तों, हमने सारे ब्रेड स्प्रिंग ब्रेड फिंगर रोल्स बना लिए हैं। देखिए कितना क्रिस्पी है ये। इसे केचप के साथ या चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मेरे चैनल को दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।